नमस्कार, मैं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी बोर्ड का रिजल्ट इसी हफ्ते हो सकता है जारी। 47 लाख बच्चों को है इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हालांकि अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट इसी हफ्ते जारी हो सकता है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के अनुसार यूपी बोर्ड का रिजल्ट जून के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने से करीब 47 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए 51 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था, जबकि करीब 47 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज, शेयर किया नरेंद्र मोदी का पुराना किस्सा। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए कहा, तो कांग्रेस ने इस मौके पर देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए 28 मार्च 2010 को जब एसआईटी के सामने पेश हुए थे, तब वे हाथ जोड़कर पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस ने ईडी कार्यालय तक मार्च निकालने और पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी की है। उस समय नरेंद्र मोदी ने पूरे दिन दो सत्रों में एसआईटी के सवालों के जवाब दिए थे। मोदी ने तब कहा था कि संविधान और कानून सर्वोच्च है और उससे ऊपर कोई नहीं। एक नागरिक और मुख्यमंत्री के तौर पर वह कानून का सम्मान करते हैं। यूरोपीय देशों के वीजा के लिए लंबा इंतजार, भारतीयों को रद्द करनी पड़ रही फ्लाइट। देश से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या प्री कोविड टाइम जैसी हो गई है, जबकि वीजा का सिस्टम और प्रक्रिया उम्मीदों पर पानी फेर रही है। ज्यादातर शिकायतें यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए पर्यटन वीजा को लेकर है। कई लोग आवेदन वीजा प्रोसेसिंग एजेंसी VFS ग्लोबल से समस्या हल करने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं VFS ग्लोबल का कहना है कि इन दिनों बहुत अधिक आवेदन आ रहे हैं, जबकि सीमित अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है और प्रोसेस भी काफी लंबा है। ज्यादा संख्या में वीजा आवेदन मिलना भी देरी की बड़ी वजह है। दूसरी ओर समय पर वीजा ना मिलने से भारतीयों को फ्लाइट कैंसिल करानी पड़ रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे खोजी दूसरी दुनिया, कई तरह के जीव मिले। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ की सतह से करीब 500 मीटर नीचे दूसरी दुनिया खोज निकाली है। वैज्ञानिक यहां क्लाइमेट चेंज को लेकर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इन्हें पूरा नया इकोसिस्टम ही मिल गया है। वैज्ञानिकों ने यहां एक ऐसी गुफा खोजी है जहां केवल एक्वेटिक जीवन का अस्तित्व है। यहां कई तरह के जीव मिले, जिनमें लॉबस्टर्स और क्रैब्स भी शामिल हैं। बर्फीली सतह से नीचे कुछ एम्फीपोड्स भी मिले हैं। इससे पहले बर्फीली सतह के सैटेलाइट इमेज की स्टडी में बर्फ के नीचे छिपी नदी के बारे में पता चला था। टीटीपी के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, पश्तून इलाके में होगा टीटीपी का राज। पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर रही है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच संघर्ष विराम हो गया है और जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इस समझौते के तहत पाकिस्तानी सेना बड़े संख्या में टीटीपी आतंकियों को रिहा करेगी और कबायली इलाके से पाकिस्तानी सैनिक हटाए जाएंगे। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मलकंद इलाके में शरिया कानून लागू किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार सेना प्रमुख जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ सरकार टीटीपी आतंकियों को छोड़ने और उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले वापस लेने पर सहमत हो गई है। विदेश में बड़ी डील की तैयारी में रिलायंस, अमेरिकी कंपनी से मिलाया हाथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ब्रिटेन स्थित फार्मा कंपनी वालग्रीन्स बूट्स एयरलाइंस को खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए रिलायंस और अमेरिकी कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने संयुक्त बोली लगाई है। अगर यह बोली सफल होती है तो भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया को पश्चिमी एशिया में बूट्स के कारोबार का विस्तार किया जा सकेगा। रिलायंस के नेतृत्व में दिया गया यह प्रस्ताव 5 बिलियन यूरो से अधिक का है, जबकि वालग्रीन बूट्स के लगभग 7 बिलियन यूरो के मूल्यांकन की मांग कर रहा है। आने वाले हफ्तों में विजेता बोली लगाने वाले का चयन किया जा सकता है। बूट्स ब्रिटेन में 2200 से अधिक स्टोक का नेटवर्क चलाती है। बॉलीवुड प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे शाहिद कपूर और नोरा फतेही, अटकलें तेज। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर और एक्ट्रेस नोरा फतेही जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने वाले हैं। शाहिद और नोरा बॉलीवुड के अपकमिंग प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आएंगे। दोनों स्टार्स का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें नोरा ने पोस्ट किया है। ये वीडियो आईफा समारोह का है। इसके बाद कयास लगाने शुरू हो गए थे कि दोनों सितारे किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आने वाले हैं। इससे पहले शाहिद कपूर फिल्म जर्सी में नजर आए थे, जबकि नोरा फतेही को अजय देवगन की फिल्म भुज में देखा गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।